है। योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ की परंपरा को जूतों से कुचल रहे हैं और इनकी जो परंपरा है, इनका जो सोच है, इनका जो कृत्य है, साधु के सोच नहीं कर सकते हैं। का तो सामाजिक यदि वर्चस्व होता, सामाजिक एक ढांचा बना रहता तो मैं निश्चित समाज के लोगों से कहता कि इसको कुंडल उतार लिया जाए, इनका कपड़ा उतार लिया जाए। यदि इसको उग्रवाद पर ही करना है, दूसरे मुसलमान से नफरत करना है, तो पहले मैं यदि वह प्राचीन परंपरा जीवित होती इस प्रकार की, तो पहले मैं योगी के कुंडल उतरवा लेता और पहले उसका मैं कपड़ा उतरवा लेता और फुल पैंट पहना करके उसके बाद हम कहता कि फिर आप जाइए, आप आतंकवादी बनिए जो या जो कुछ बनिए, लेकिन साधु के वेश बांध करके, कपड़ा पहन करके, कुंडल लटका करके इस प्रकार से आतंकवादी कृत कर रहे हैं, तो इससे जो है पूरे समाज का, साधु समाज की बदनामी हो रही है। पिछली एक शताब्दी की हिंदुत्ववादी राजनीति ने गोरखनाथ के समतावादी दर्शन को उलट कर रख दिया है। जिस गोरख का कबीर जैसे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती और पाखंड विरोधी समाज सुधारक पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो परंपरा आज अपने ही घर में दम तोड़ रही है। गोरखनाथ जी का जो मूल टेंपल है उसके उस परिसर में संगमरमर से चारों तरफ गोरखवाणी उद्धृत है। और किसी भी एक अनजान व्यक्ति के लिए जो बहुत ना समुदाय के बारे में बहुत कुछ ना जानता हो, गोरखनाथ जी के बारे में जितना जानता हो, अगर वो जाएगा तो सर्वप्रथम वही पढ़ेगा। और वो इतना सुंदर है और गे है गोरखवाणी कि नाथ कहो तुम आपा रखो, हटकर बात न करना, यह जग है कांटों की बारी, देख देख पर धरना, गोरख कहे सुनने और जग में ऐसा रहना, आपको देखना, कानों सुनना, मुख से कुछ न करना, कोई वादी कोई भी वादी जो भी गुरुवाद, इतना सुंदर है कि उसको पढ़ के जो उसका प्रभाव जो उसको मिलेगा वो तो इस दुनिया में प्रेम से रहने का, विवाद न करने का, यहाँ तक कि एक वो जो सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन वो उस टेम्पल के बीच में लिखी हुई है, जो मन में रहिला भेद न कहेगा, बोलेगा अमृत वाणी अगला अग्ना होगा और दो तो आप होगा पानी, कि अगला कोई आग है और तुमको संतापित कर रहा है तो भी है और दो तुम पानी है उसे शांत करो। और आज मैं देख रहा हूँ कि ये पीठ उस गोरखवाणी के फिलॉसफी को, दर्शन को अवहेला करके आगे जा रही है, और जहाँ पर ये लिखा गया कि कोई आग है तो उसको शांत करो, उसके बजाय वो दोनों हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदायों के बीच विद्वेष को बढ़ाने का काम कर रही है, तो यही गोरखवाणी उनके विरुद्ध खड़ी हो रही है, उसी मंदिर में खड़ी हो रही है, इसलिए उस प्रतीकों को भी अब यहाँ मिटाने की कोशिश हो रही है। फराक ने एक बात कही है गोरखपुर के लिए, खुद गोरखपुर के लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान के लिए फराक ने ये बात कही है कि सरजमीन हिंद पर अकवाम आलम के फराक काफले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। तो ये काफले आए, आपने देखा आता अफगान तुर्कमानपुर है, टर्क रेजिमेंट्स आई फौजों के साथ, यहीं आके बस गए, मोहल्ले उन्होंने बना लिए, शेख लोग आए थे शेखपुर हो गया, सौदागर मोहल्ला है, जैसे आप दिल्ली ले जाएंगे मोहल्ला सौदागरान वहाँ भी कहलाता है, यहाँ सौदागर मोहल्ला है। अब उर्दू बाज़ार जा करके देख लीजिए, अब उर्दू बाज़ार को तो लोग हिंदी बाज़ार कहने लगे, माने उर्दू के माने उर्दू ज़बान से नहीं है, उर्दू के माने ये है कि उर्दू छावनी को कहते हैं, जहाँ फौज रहती है उसको उर्दू कहते हैं, दिल्ली में भी उर्दू बाज़ार है, यहाँ भी उर्दू बाज़ार, इसलिए थोड़ी है कि उर्दू ज़बान पर रखा गया, छावनी यहाँ रहती थी, कैंट का एरिया था, इसलिए उसे उर्दू बाज़ार का नाम दिया गया। अब वो उर्दू बाज़ार उसके पास में तुर्कमानपुर और उसी के पास में आता अफगान, ये सारे इलाके जो थे उन लोगों के थे जो आकर के वहाँ ठहरे हुए थे और एक दूसरे से मिला हुआ तमाम इलाका है। अब वो उर्दू बाज़ार को हिंदी बाज़ार या अली नगर को आर्य नगर, अरे जाहिद अली साहब का ख़ानदान अभी मौजूद है, या मियाँ साहब मियाँ बाज़ार को माया बाज़ार, मियाँ साहब अभी मौजूद है, ये सारी पॉलिटिक्स। तो उसके बाद से जाहिर है कि इस इलाके में तनाव शुरू हुआ और जान बूझ करके यहाँ पर इसी मंदिर को, जिसको हजारों एकड़ ज़मीन खुद आसिफुद्दौला ने दिया है यही 1500-1600 में, वो अब डिनाई करें सो करें है, लेकिन उसकी जो बाकायदा दस्तावेजात मौजूद हैं, यहाँ नहीं होंगे, सरकार के पास होंगी, हर जगह होंगी, और पहले मंदिर में लोग जाते थे और इस दस्तावेजात को देखते भी थे, उनके पास होंगी, उन्होंने छुपा रखा है, वरना उनको साबित करना पड़ेगा कि कहाँ से इतनी बड़ी जायदाद आई उनके पास। धर्म निरपेक्षता और साझी संस्कृति के हर प्रतीक को मिटाने पर आमादा इस राजनीति ने सिर्फ मुस्लिम पहचान वाले मोहल्लों और कस्बों के नाम ही नहीं खत्म किए, बल्कि आधुनिक भारत में धर्म निरपेक्षता के भविष्य का बीज बोने वाले महात्मा गांधी को भी बर्दाश्त नहीं किया। These were precisely the forces which were responsible for the murder of the Mahatma. And the more important thing is
that even popular belief has some significance. Why should so many people believe that this is what had happened, that the revolver which killed the Mahatma actually came from the Gorakhnath temple? And after all, other places do not have this reputation.